अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों को समेट रहे होंगे। तो सबसे पहले सब व्यूअर को जुमा मुबारक। आज जुमे का दिन है, तो अभी हमने जुमा वगैरह पढ़ा है। तो आज जो मौसम है ना भावलपुर का, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। बारिश भी हुई है अभी, इवन के हो भी रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखें अभी भी कोई रिमझिम सी हो रही है, तो बारिश पहले हुई है। अभी तो जो रोड्स वगैरह हैं वो सूख गई हैं, लेकिन जो बारिश है ना वो उसे मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो हमने कहा कि मौसम बारिश वाला है तो आज बनाए जाएं पकोड़े। तो आपको पता है बारिश हो और पकोड़े ना बनाए जाएं ये तो हो नहीं सकता। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो अभी पकोड़े बनाते हैं, जो चीज़ें पड़ी हैं घर में वो देखते हैं, जो चीज़ें चाहिए होंगी तो वो जाते हैं, अभी चीज़ें लेके आते हैं, उसके बाद पकोड़े बनाते हैं। तो वैसे भी लंच का टाइम हो गया है, भूख भी काफ़ी लगी हुई है। पहली फुर्सत में निकल है ना। अभी व्यूअर्स हमने दही भी ले लिया है, बेसन भी ले लिया है और पालक भी ले लिया है, धनिया भी ले लिया है, सब मिर्च भी ले लिया है, बाकी जो आलू वगैरह बाकी चीज़ें घर पड़ी हैं तो बस यही चीज़ें चाहिए थी, तो अभी ये ले ली हैं। तो अभी हम घर पहुंच गए हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सर जी तुसी ये कड़े आलू छिली जांदे हो? ये आलू नहीं है, ये चीकू है। चीकू? अच्छा 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 अच्छा, मैं समझा आलू छिली जांदे हो भी निके निके। नहीं नहीं ये आलू नहीं है, चीकू है, मैं बड़े शौक से खाती है। अच्छा अच्छा जी, उसको ये बना के। तो बाकी पकौड़ों का सामान निकाल लिया आपने? बस ऑलमोस्ट का कुछ निकाल लिया, कुछ निकालने वाला। पकौड़ों का सामान हमने निकाल लिया है, ये आलू, ये प्याज और बाकी सामान कुछ इधर पड़ा है, पालक वगैरह हमें चाहिए, ये चीज़ें हम अभी लेके आए हैं। तो बस अभी बनाते हैं पकोड़े। तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपके पास शहर में कैसा मौसम है और बारिश हुई है आपके पास। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में बारिश का बताया हुआ है, लेकिन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपके पास भी बारिश हुई है आज सुबह भी। किन्मिन हो रही है? हाँ जी, आज मौसम बना हुआ है तो हमने कहा चलो हम पकोड़े बनाते हैं। तो आज जुम्मे का दिन है, आज है 1 मार्च। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपके पास बारिश हुई है कि नहीं। चुप कर बे कुत्ते। इधर आतफ ने जो है ना वो आलू छीलना शुरू कर दिए हैं, तो अगर मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बिल्कुल ना बताइएगा। व्यूअर सामान जो हमारा पकोड़ों में जाना है वो ऑलमोस्ट हमने बाहर निकाल लिया है। ये आलू भी छील लिए हैं, ये मेथी है, ये प्याज है, ये धनिया और ये पालक। बस जो हरी सब्जियां हैं वो तो यही जाएंगी, बाकी जो कुछ मसाले हैं वो तो फिर बंदा हम आपको साथ साथ बता ही देंगे। अगर कोई मेरा ये ब्लॉग देख के बनाना चाहे तो बना सकता है। तुमसे ना हो पाएगा। बस कर भाई। चलो इंतजार की घड़ियां बिल्कुल हो गई हैं खत्म। हमारे यहाँ पे जो पकोड़े हैं वो घी में अच्छी तरह तड़प रहे हैं, अच्छी तरह तड़पेंगे, फुल क्रिस्पी क्रिस्पी बड़े मजे के लगते हैं। तो बस अभी एक तो पूरा हमने यहाँ पर डिश भी तैयार कर ली है, इसमें हम डालेंगे पकोड़े अपने। ठीक है समरिया, जब तक व्यूअर्स हमारे पकोड़े बन रहे हैं तो मैंने सोचा तब तक रायता बना लेते हैं। तो दही में मैंने ये हरी मिर्च, पुदीना, धनिया सब ये कूट कूट के डाल दिया है। आह स्पेशल मिंट रायता। माशाल्लाह जी व्यूअर्स हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं, अभी हम चेक करते हैं और आपको बताते हैं ये कैसे बने हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स आपके तो मुंह में पानी आ रहा होगा, मजेदार मजेदार मजेदार, बहुत जमी बने आप, जबरदस्त। कैसे आतू भाई, सही बन रहे हैं पकौड़े? चलो अब आतू भाई भी चेक कर रहे हैं। मजेदार मजेदार मजेदार। वीवर्स मगरब की अजानें स्टार्ट हो गई हैं, अब हम पढ़ते हैं नमाज। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। कुछ करने को, कुछ दिखाने को था नहीं, वैसे भी मौसम खराब था, कहीं बाहर भी नहीं जा सकते थे, तो मैंने सोचा ये व्लॉग आपके साथ शेयर किया जाए। तो अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।